हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो, ये वीडियो हमारा हरियाणा सीईटी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 74वां प्रैक्टिस सेट है। 73 प्रैक्टिस सेट इससे पहले करवा चुके हैं और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला कंप्यूटर है, तो आज इस वीडियो के बाद सारी क्लासेस जो आपकी कंप्यूटर की वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, 5 से 6 वीडियो हमने कंप्यूटर की करवा दिए हैं, इससे बाहर कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो इन क्लास को आप एक बार जरूर देख लें, अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से उनको आप देख लेना। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ हमारी चलने वाली है, ठीक है, तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आरसीपीटी, जो आरसीपीटी होती है टू कमांड, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उद्देश्य हो जाएगा मेल के प्राप्तकर्ता की पहचान करना। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। खालिस्तान उस प्रणाली जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं दोस्तों इंट्रानेट। क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। आदानों की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए समय अंतराल खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कम है। किसमें कम है? रियल टाइम में। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा रियल टाइम। लेजर प्रिंटर जो है कौन से प्रिंटर से संबंधित है? लेजर प्रिंटर आपका संबंधित है पृष्ठ से। ठीक है, पेजों को प्रिंट करता है ये। खालिस्तान कमांड का उपयोग प्राप्त सर्वर द्वारा यह स्थापित करने के लिए किया जाता है कि दिया गया उपयोगकर्ता नाम वैध है या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करके ही ये पता लगा जा सकता है। उसके बाद फंक्शन की जिसका उपयोग हाईलाइट किए गए आइकन, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है, यानी रीनेम करने के लिए जिसका किया जाता है, वो आपकी F7 होती है दोस्तों। कौन सी होती है? F7। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये मानते हैं जॉन मैकार्थी को। किसको? जॉन मैकार्थी। कंप्यूटर में DMA होता है एक, इसका क्या मतलब होता है? तो DMA का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग नेटवर्क में बड़ी फाइलों को संपीड़ित करने और उन्हें भेजने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपका विनजिप। ठीक है, विनजिप में फाइल जो है, फाइल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, इसलिए इसको भेजने में आसानी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो यहाँ पे बात करें इंपैक्ट प्रिंटर की, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये आपका इंपैक्ट प्रिंटर है। एक ईमेल खालिस्तान में सभी की विशेषताएँ हैं। एक ईमेल में किस चीज़ की विशेषताएँ हैं? MS Word की। ठीक है, उसके बाद MS Word में किसी क्रिया का पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है वो क्या है? तो पूर्ववत करने के लिए यानी पहले के जैसी करने के लिए Ctrl Z का उपयोग करते हैं। जैसे हमने कुछ भी लिखा और उसको मिटो दिया, फिर हम Ctrl Z दबाएंगे तो वो दोबारा से वापस आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अंडू करना किसी चीज़ को। MS Word 2010 में अधिकतम कितने कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है? MS Word की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितने कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपका 63 को। कितने को? 63। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो किस पर आधारित हैं? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आपके आधारित हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। एक कंप्यूटर कीबोर्ड खालिस्तान का प्रकार नहीं हो सकता। किसका प्रकार नहीं हो सकता? एक पिनडिन का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पिनडिन का प्रकार नहीं हो सकता। जीमेल को कितने श्रेणियों में प्रबंधित करता है? जीमेल मेल को कितनी श्रेणियों में प्रबंधित करता है? तो ये आपका करेगा कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। शॉर्टकट वर्तमान कार्यक्रम में फाइल मेनू विकल्पों तक पहुँचने में मदद करता है। फाइल मेनू तक पहुँचने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम कहते हैं Alt+F। ठीक है, एक खालिस्तान ऐसे निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक हैं। क्या चीज़ है वो? ये आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन B, उपकरणों की सीमित ट्रैकिंग। वह उपकरण जिसका उपयोग वास्तु चित्र भूकंपीय तरंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्लॉटर। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? प्लॉटर। खालिस्तान हमें हस्ताक्षरों के लेखक, दिनांक और समय को स्थापित करने, संदेश सामग्री को प्रमाणित करने की अनुमति देते हैं, तो ये देते हैं आपके डिजिटल हस्ताक्षर। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर और अन्य प्रोग्राम योग्य उपकरणों के लिए एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका
असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं? ये होते हैं आपके 1 निब्बल के बराबर। खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र कार्य को तैयार करेगा और इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देगा, तो इसका जो सही है वो क्या हो जाएगा, बैच, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रसंस्करण के लिए डिजिटल जानकारी की एनकोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए एनालॉग वाहक संकेतों को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करता है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका मॉडेम। इसकी फुल फॉर्म ही क्या होती है, मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट। खालिस्तान डिवाइस आंतरिक या बाहरी डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य में योगदान नहीं करते हैं, जैसे कि कंप्यूटिंग, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पेरिफेरल। कौन सा? पेरिफेरल। पहला ईमेल सिस्टम कब शुरू हुआ? तो पहला ईमेल सिस्टम जो है वो आपका कब शुरू हुआ था, पहला ईमेल सिस्टम शुरू हुआ था दोस्तों 1978 में, ठीक है। खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विशेषता है जो 2010 यह हमें बिना पढ़े किसी दस्तावेज में गलतियों को ठीक करने में मदद करता है, तो ये कौन सा है, ये आपका डी ऑप्शन, स्पेलिंग और ग्रामर की, ठीक है। खालिस्तान में कई टैब होते हैं जिनमें से प्रत्येक में कमांड के कई समूह होते हैं, किस में होते हैं, रिबन में, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग सारे टेक्स्ट का चयन करने के लिए किया जाता है? तो सारे टेक्स्ट का चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की माँ कहा जाता है, किसको, ठीक है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की माँ कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं सी को, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्रोग्राम है दोस्तों। मुद्रण तकनीक के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर होते हैं आपके 3 प्रकार के। सीआरटी मॉनिटर में सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआरटी का पूर्ण रूप होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता है? तो सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन आपका डायल अप कनेक्शन, ठीक है। किस कंपनी के लिए पावर पॉइंट मूल रूप से बनाया गया था? कौन सी कंपनी के लिए बनाया गया था? ये एप्पल मैकिंटोश के लिए बनाया गया था, ठीक है। एमएस वर्ड में भिन कहाँ से मिलेगा? भिन जो है वो आपको इक्वेशनल टूल में जाके मिलेगा, ठीक है। सही विकल्प बने, पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते थे, उसे खालिस्तान कह जाता था, उसको क्या बोलते थे, एनईएक बोलते थे दोस्तों, ENIAC, एनईएक। उसके बाद है, कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को जो नियंत्रित करता है उस व्यक्ति को हम लाइवेयर भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर नियंत्रक भी बोल देते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, आरंभिक कंप्यूटर खालिस्तान का उपयोग करते थे जो कि बहुत बड़ी, कभी कभी कमरे के आकार की होती थी और केवल व्यवसायों, विश्वविद्यालयों, सरकारों के पास होते थे, तो ये कैसे थे? ये थे आपके वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर, डी ऑप्शन। सही विकल्प का चयन करें जिससे यह पता चलता है कि इनपुट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा संचारित करने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और कब भेजा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था, ठीक है, रे टॉमलिंसन 1971 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? ये आपका वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसकी श्रेणी में आता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है आपका सेपरेट सीट में, ठीक है। बिट जो है निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम है? बिट किसको बोलते हैं? बाइनरी डिजिट को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI प्रदान नहीं करता? कौन सा नहीं करता? DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो बात करें पॉइंटिंग डिवाइस की, यहाँ पे स्कैनर जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक तीनों के तीनों आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं। TCP या फिर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए उपयोग करते हैं? इंटरनेट से जुड़ने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक या अवैध लेन देन को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं इनको? ये बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। CAD का संक्षिप्त नाम क्या हो जाएगा? CAD बोलते हैं कंप्यूटर एडिड डिजाइन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है?
तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? ऐसा है आपका टच स्क्रीन, ठीक है, इनपुट भी और आउटपुट भी है। निम्न में से क्या ईमेल पते का एक वैकल्पिक हिस्सा हो सकता है? क्या हो सकता है इनमें से? देखिए, बात करें पते या प्राप्तकर्ता का अंतिम नाम, ठीक है, बी ऑप्शन। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं आपके डाटा केबल के द्वारा। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन नहीं है? पाइथन जो है ये लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जीवित रहने की पहचान को सत्यापित करने और पहचानने के लिए किया जाता है। ये होता है बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है, ए ऑप्शन, जिसके ऊपर आप अंगूठे लगाते हो वो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है। निम्नलिखित में से आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ये आवश्यकता होगी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, ISP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक बाइट जो होता है आपके 4 बिट्स के बराबर होता है। डेबियन क्या है? डेबियन फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक, ठीक है, ये ऑप्शन। बिन को चुने, कीबोर्ड है, माउस है, उसके बाद प्रिंटर है और जॉयस्टिक है। तो प्रिंटर जो आपका ये आउटपुट है, बाकी पॉइंटिंग डिवाइस है आपके, ठीक है। ISP हम बता चुके हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, इंटरनेट सेवा प्रदाता। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है HTML प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बाकी रूबी, पाइथन, कोबल सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं। ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से किसका प्रबंधन करता है? ये करता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन दोनों का, ठीक है। उसके बाद है ब्रेल रीडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ब्रेल रीडर की बात करें तो इनमें से आपका ऑप्शन जो डी है, देखिए एक ब्रेल रीडर का आउटपुट ऑडियो के माध्यम से होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, पहले भी करवा चुके हैं इस क्वेश्चन को। कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर के क्या फ़ायदे हैं? तो कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर के फायदे देखिए, सीमित क्षमता वाले लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ये था आज का वीडियो, तो हमारा कंप्यूटर का पार्ट जो कंप्लीट हो गया है, इसकी कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी विद आंसर की, ठीक है, थोड़ी देर में अपलोड कर दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ बने रहें। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कूल बॉय कूल बीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च करें और वहाँ पे ये PDF आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। और इससे बाहर कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आने वाले, इसको एक दो बार कर लेना PDF को, आपके कंप्यूटर का एक भी नंबर जो है वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें, धन्यवाद।